हेलो नमस्कार, मैं नमाचार में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बाहर नहीं किया जाएगा, जो बाहर हो चुके हैं उनको पुनः नियुक्त किया जाएगा और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा। सुनील सिंह परिहार जी ने स्पष्ट कर दिया है कि मध्य प्रदेश के कोई भी अतिथि शिक्षक किसी भी हालत में बाहर नहीं होंगे। जो नया सत्र प्रारंभ होगा उसमें सभी अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा, उनका पद रिक्त नहीं माना जाएगा, उनका नियमितीकरण किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इनने बोला है कि सरकार की ओर से डीएड बीएड भी अतिथि शिक्षकों को करवाया जाएगा, जो अप्रशिक्षित हैं उनको प्रशिक्षित करवाया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए। सुनील सिंह परिहार जी ने एक सूचना जारी की है प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर। विभागीय परीक्षा के लोग अब वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। क्या कहना है सुनील सिंह परिहार जी का मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को लेकर, आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। अतिथि शिक्षकों को रिक्त पदों पर समायोजित करने की बात की थी, अभी भी दो दिन के लिए भोपाल में रहकर हमने वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को अतिथि शिक्षकों की इस गंभीर समस्या से अवगत करवाया। उन्होंने आश्वस्त किया है कोई भी अतिथि शिक्षक बाहर नहीं होगा। जिनके नाम पोर्टल पर दर्ज हैं उन सबको मानदेय का भुगतान भी किया जाएगा और रिक्त पदों पर समायोजित भी किया जाएगा। हमने एक और आग्रह किया है कि यदि संभव है तो उच्च पद प्रभार वाले शिक्षकों को सत्र के, ताकि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, अतिथि शिक्षक साथी भी बेरोजगार ना हो। मैं पहले से भी आप सभी को बताता आया हूं, चुनाव से पहले भी आप सभी से आग्रह किया था, वो अतिथि हित में था कि आप अन्य कर्मचारियों की भांति आप न्यूट्रल रहें। आपकी लड़ाई, हर तरह की लड़ाई, शासन प्रशासन से हो, न्यायपालिका से हो, हम सभी स्तरों से अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अतिथि शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। यदि ऐसा है तो बिल्कुल आपका पैसा बिल्कुल फेंकते रहें, लेकिन वास्तव में मैं जानता हूं अतिथि शिक्षक बहुत गरीब वर्ग है। आज भी अतिथि शिक्षकों की दुर्दशा बद से बदतर है। आप बिल्कुल भी किसी के झांसे में ना आए, कोर्ट केस के नाम पर जो अभियान चल रहे हैं उन अभियानों में बिल्कुल शामिल ना हो। जहां भी जरूरत है हम कोर्ट से भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरातल पर भी आपके लिए काम कर रहे हैं। अभी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के हित में आदेश जारी करे, बधाई दें और उनसे आग्रह करें, अपनी पीड़ा से उनको अवगत करवाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की थी वो घोषणा की कॉपी लेकर आप उनके पास जाइए, उनको बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने महापंचायत आयोजित करके अतिथि शिक्षकों को कुछ सौगातें दी थी, उनके आदेश अभी जारी नहीं हो पाए हैं। तो आप उनसे कहिए कि अतिथि शिक्षकों के हित में जल्दी से जल्दी आदेश जारी करवाएं। आप चिंता ना करें, अति रिक्त पदों पर समायोजित होंगे। सरकार चाहे तो सबको संभव है। मध्य प्रदेश सरकार यदि आपका भला चाहेगी तो निश्चित रूप से विभागीय परीक्षा लेकर हम सबको परमानेंट करेगी। और सबसे अच्छा उपाय है जो सबसे पुराना वर्ग है, उस जो सबसे पुराना वर्ग है उस पुराने वर्ग को
विभागीय परीक्षा से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत से जिलों में अभी मानदेय भी हमने समय लिया है और आयुक्त महोदय से, प्रमुख सचिव महोदय से बैठक में निवेदन करेंगे कि अन्य वर्गों की तरह, अन्य कर्मचारियों की तरह अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी सभी को समय से मानदेय मिलना चाहिए। अतिथि शिक्षकों को मानदेय मिलने की जो तारीख है वो 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में फिक्स होना चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव भी हम अधिकारियों के सामने रखेंगे। प्रयास तो आज से नहीं कर रहे हम, 2014 से अतिथि शिक्षकों के हित में हमने काम किया था। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति 2014 से अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रही है और भोपाल स्तर भी अभी तक जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें से 12-13 कार्यक्रम अकेले अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के द्वारा आयोजित किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आज से आपकी लड़ाई लड़ना शुरू कर रहे हैं। मैं प्रणाम करता हूं मेरे उन सभी वरिष्ठ साथियों को, आदरणीय खैरवार जी को, आदरणीय नवीन शर्मा जी को, स्वर्गीय अजयपाल जी को, के सैनी जी रतलाम, रामबाबू मालवी जी, शिव कुमार सोनी जी, आप सभी का, राजेश कामत जी, विशेष योगदान रहा इस अतिथि शिक्षक संपर्क को आगे बढ़ाने में। मैं स्वागत करता हूं मेरे नए सक्रिय साथियों का जो आज अतिथि शिक्षकों के हित में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो साथी अनट्रेंड हैं वो भी चिंता ना करें, विदिशा का आदेश मैंने देखा है और मैंने विदिशा DOBO का नंबर लिया है, उनसे चर्चा करेंगे। अन्य जिलों में भी इस तरह के आदेश, किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं होने देंगे, ये आप सभी से वादा है। भले ही मुझे सबसे पहले हम बात करेंगे, नहीं मानेंगे तो हम उनको सारे आदेश और वो सब दिखाएंगे और कोर्ट तक घसीट के ले जाएंगे। DPI का आदेश है कि जो पिछले सत्रों से काम कर रहे हैं, पिछले वर्षों से जो काम कर रहे हैं उनको यथावत रखा जाए, उसमें कहीं भी प्रशिक्षित अप्रशिक्षित का जिक्र नहीं है। और उनके लिए मैंने मध्य प्रदेश शासन से एक प्रस्ताव, मध्य प्रदेश शासन को एक प्रस्ताव भिजवाया है कि जो हमारे साथी वर्षों से काम कर रहे हैं या प्रशिक्षित हैं उनको गुरुजी शिक्षा कर्मियों की भांति मध्य प्रदेश सरकार DLED करवाए, क्योंकि ये साथी DED/BED करना चाहते हैं लेकिन इनकी परसेंटेज कम होने के कारण उनको कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता। NIUS से ये सब DED कर लेते लेकिन अधिकारियों की मेहरबानी से वो नहीं कर पाए, एक आदेश जारी कर दिया कि अतिथि शिक्षक NIUS से DLED नहीं कर सकते। एक प्राइवेट में जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवा के NIUS में लगा देता है वो DLED कर सकता है, लेकिन जो वर्षों से अतिथि शिक्षक काम कर रहा है वो DLED नहीं कर सकता। तो इस तरह के अतिथि शिक्षक विरोधी आदेश भी हुए हैं, उनका भी हमने जिक्र किया है और मैं दावे के साथ आप सबसे कह सकता